Friends, in last lecture I gave you some assignments, some questions, and you have some problems. So today we start our study from the problems. So I'll discuss some problems with you and then I'll start lectures. Okay, let us start from the problem. ये आपकी 2 तारीख के assignment की problem है. Particle of mass I'm carrying a charge minus q1 is moving around a charge plus q2 along a circular path of radius r. So suppose this is the charge q2 and this is the point charge minus q1 revolving around it in a circular orbit of radius r. M is the mass of this charge particle and v is the velocity of this charge. सबकी समझ में आ गया कि suppose a charge minus q1 having mass m moving around this charge q2 in a radius r with the velocity v. तो remember it, main बात ये है कि कहां से इसको necessary centripetal force मिलेगी. भई ये ध्यान देने की बात है. इसको घूमने के लिए फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स F इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्केल स्क्वायर विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स. जो आपने याद करो, प्लस हमने पढ़ा था mv स्क्वायर बाय r. तो ये फार्मूला लगेगा कि 1 mv square by r is equal to 1 over 4 pi epsilon node q1 q2 by r square. बच्चों try to understand, याद करो जो आपकी बोहर थ्योरी है, किसकी, structure of atom की, उसका बेस भी यही है. जब कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों तरफ घूमता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां बैलेंस होता है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो ये अब याद आ गया होगा सभी बच्चों के, क्या आ जाएगा 1 over 4 pi epsilon नोड q1 q2 by r square, और ये आ गया आपका mv square by r. तो r ऊपर चला जाएगा और m नीचे आ जाएगा, is equal to v square. So v is equal to under root of 1 over 4 pi epsilon नोड q1 q2 by m r square. होगा सबको क्लियर. अब आप देखिए, तो इस क्या चाहिए आपको, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद करो, प्लस में सर्कुलर मोशन में क्या हो जाएगा टाइम पीरियड, 2 पाई आर बाय वी, 2 पाई आर बाय वी. तो ये वैल्यू अब आप अंदर इसमें रख दीजिए वी की वैल्यू और सिंपलीफाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2 पाई आर बाय वी. अब देखो बाय वी का मतलब क्या है, चलो नीचे लिख देते हैं, अपॉन में 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by mr square, ये ऊपर चला जाएगा. तो t is equal to 2 pi r under root of 4 pi epsilon node mr square by q1 q2. सबकी समझ में आ गया. अब देखो जब आप इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर जाके 2 का 4 हो जाएगा और 4 ही ऑलरेडी है तो 16. ये पाई अंदर जाएगा तो पाई स्क्वायर अंदर जाएगा और पाई ऑलरेडी है पाई क्यूब, और आर अंदर जाएगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक, और आपका एक आर कट जाएगा इसमें, ये एमवी स्क्वायर बाय आर का एक आर आप कैंसिल कर सकते हैं इनटू ऊपर आर और जाएगा ये वाला. तो ये आर खत्म हो गया ये से. अब आपका अंदर जब आर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये 16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नोड एम. अब देखो बच्चे एक आर ये जब अंदर अंडर रूट में ले जाएंगे तो आर स्क्वायर आर की क्यूब अपॉन में क्यू वन क्यू टू. सबकी समझ में आ गया, एक बच्चा कह रहा था सर अंदर पाई क्यूब नहीं आ रहा. अब क्लियर हो गया सबको, आपका थोड़ा बेटे मेथड ठीक नहीं था तो अब समझ में आ गया होगा. चलिए ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझा दिया, अब कल की असाइनमेंट के आपको मैं एक दो न्यूमेरिकल बताता हूं. देखिए किसके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के एंड गॉस थ्योरम के. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है समझो, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्वेश्चन नंबर 35 बता रहा हूं, कल जो आपके असाइनमेंट थी उसका. गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, 5 इंटू 10 की पावर 3
आई कैप न्यूटन पर कूलम, याद करो प्लस वन के वेक्टर से, आई कैप मीन्स यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक ही बात, आप इसको ई एक्स भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए ये एक्स एक्सिस है सपोज, और ये क्या होती है आपकी वाई एक्सिस, और ये क्या होती है जेड एक्सिस। अब क्या कह रहा है आपसे वो, इस फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वेयर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑफ साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू वाई जेड। अब देखो इस प्लेन के पैरेलल है, ये जेड हो गया, ये वाई हो गया, ये आपका स्क्वेयर है पैरेलल टू जेड वाई जेड प्लेन। आप समझ में आ गए, वाई एक्सिस होगी ये, सॉरी ये जेड एक्सिस होगी आपकी, और ये वाई एक्सिस होगी। अब इस वेक्टर जो यूनिट वेक्टर आएगा वो किधर आएगा इसका, इसके वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग बच्चों एक्स एक्सिस आएगी। अब बोलो ये समझ में आया नहीं। अगर ये मेरे पास प्लेन है, सपोज कीजिए देखो, ये देखो ये प्लेन हो गया इस तरह, तो इसका अब बोलो अगर ये आपकी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका नॉर्मल किधर आ रहा है, ये आ रहा पैन अलोंग एक्स एक्सिस, तो किसके पैरेलल आ गया ये अलोंग एक्स एक्सिस, इसका फील्ड आ गया, ये एरिया वेक्टर आ गया, और फील्ड भी इधर है, तो आपका क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ए एक्स ही आएगा, 10 × 10 इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वेयर और 10⁻² मीटर स्क्वेयर, सो फाई इज इक्वल टू ई एक्स इंटू ए एक्स, कितना होगा बच्चों, बस 5 × 10³ × 10⁻², यानी कि 50, क्या आंसर है इसका, 50 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम। तो आगे समझ में सबकी, अब क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वेयर इफ प्लेन मेक्स एन एंगल 30° विद एक्स एक्सिस। प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30° विद एक्स एक्सिस, तो अगर प्लेन का एंगल 30° है तो फाइ इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज समझ में आएगी अब आपके, जो प्लेन है इसका एंगल 30° है, तो नॉर्मल के साथ कितना एंगल बचा है 60°, एरिया वेक्टर से कितना एंगल बचा 60°, तो यहाँ कॉस 60 आएगा, या आपसे गलती हो सकती थी, समझिए प्लेन के साथ 30 का एंगल है, तो नॉर्मल के साथ कितना बचा 60°, तो कॉस 60 आएगा यहाँ, यानी कि ई इंटू ए 5 × 10³ × 10⁻²² × cos 60°, तो अब समझ में आ गया, 5 × 10 × 1/2 यानी कि 25 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम बच्चों। तो क्लियर होगी ये प्रॉब्लम आपको, तो थोड़ा सा वेक्टर्स को आपको याद रखना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा। तो 35 प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दी है, अब आप देखिए इसी तरह की 36 प्रॉब्लम है, अब आप देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिना फिगर के प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा फिगर्स को ध्यान से समझो, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। कम ऑन, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, ई इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, फील्ड किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एंड ई इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज लेस देन जीरो। इस चीज का समझ में आया आपके, क्या कहना चाह रहा है, थ्रू ए सर्कुलर सिलेंडर ऑफ लेंथ एल सेंटीमीटर एंड रेडियस आर सेंटीमीटर। ये देखो फिगर बनाइए, ये एक सर्कुलर सिलेंडर है, क्लियर, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन, क्योंकि पहली कंडीशन क्या है, इज इक्वल टू ई एक्स आई कैप, यानी के इस तरफ फील्ड है आपका ई एक्स आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस, ये रहा आपका ई एक्स, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, आपको पता है ओरिजिन से इधर क्या आ जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कीप इन योर माइंड, इसीलिए मैं, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हर चीज डायग्राम पर लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझा करो, और इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप, अब आप देखो माइनस ई एक्स आई कैप का मतलब डायरेक्शन इधर आ गई इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ई एक्स आई कैप का मतलब अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस,
क्लियर हो गया, लेंथ कितनी है इसकी एल और रेडियस कितनी है आर, सबकी समझ में आ गया। अब आप सोचिए सोर्स ऑफ चार्ज का फील्ड कहां रखा है, रहा इस तरह की कोई सर्कुलर प्लेट है जिसका ये कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको पता है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपको एक बेसिक बता रहा हूं, तो इधर भी फील्ड निकल रहा है इधर भी फील्ड निकल रहा है, सबकी समझ में आ गया। अब देखिए आप सिर्फ किससे निकलेगा, कैप से, तो एरिया वेक्टर इसका इधर आ गया एस और ए की बात है, और इसका बेटा इधर आ गया एस और ए, एरिया वेक्टर एंड फील्ड बोथ आर इन सेम, इसका इधर है और इसका इधर है, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा फाइव वन प्लस फाइव टू, ये फर्स्ट सरफेस ले लीजिए सेकंड, यानी के ई एक्स इंटू एरिया ए प्लस ई एक्स डैश इंटू एरिया ए, यानी के ई एक्स इंटू पाई आर स्क्वेयर प्लस ई एक्स इंटू पाई आर स्क्वेयर, सबकी समझ में आ गया, तो ये हो जाएगा टू पाई आर स्क्वेयर ई एक्स, और बेटे अब देखो रेडियस सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टेन की माइनस फोर न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, सबकी समझ में आ गया, ये टेन क्योंकि आपको रेडियस जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, आर इन सेंटीमीटर, तो जब आप इसको मीटर में बदलेंगे तो आर इंटू टेन की माइनस टू मीटर हो जाएगा, तो जब एरिया में लेंगे तो पाई आर स्क्वेयर होने से क्या हो जाएगा, ये ई एक्स इंटू टेन की माइनस पावर फोर न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, क्लियर होगा सबको। और क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नेट चार्ज, अब बोलो या वेरी इजी, फ्लक्स क्या होता है फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो चार्ज कितना हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू फाइव इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो यू कैन मल्टीप्लाई दिस स्टेप विद एप्सिलॉन नॉट, टू पाई आर स्क्वेयर ई एक्स एप्सिलॉन नॉट टेन की पावर माइनस फोर, दिस इज द चार्ज कूलम, तो ये आपका सम हो गया। अब देखो फिगर से दोबारा समझा देता हूं कि अगर ये सर्कुलर ये आपका सिलेंडर है और इस ओरिजिन से इधर फील्ड निकल रहा है और इधर भी फील्ड निकल रहा है, पहले स्टेप का मतलब ई एक्स आई कैप यानी कि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और माइनस ई एक्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो चार्ज का सोर्स कहां है ये रखा हुआ है यहां, तो नेट फ्लक्स थ्रू द बोथ कैप से फ्लक्स निकलेगा, आप ध्यान दो इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा, इससे क्रॉस ये जो आपकी सर्कुलर कैप ये आएगा इसका सर्कुलर एरिया इससे, ये जैसे पैन देखो वेरी इजी, ये कैप है देखो, इस कैप में ये कैप होगी क्रॉस सेक्शन की और एक ये होगी, तो क्योंकि इसके एरिया के वेक्टर के वो चल रहा है आपका फील्ड, इस सरफेस से कोई फील्ड नहीं निकल रहा इस तरफ मेरी तरफ, तो इसलिए इसके अलोंग कोई फ्लक्स नहीं आएगा, इसके और इसके आएगा सिर्फ, तो इसलिए दोनों से आया और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये आ गया आपका नेट फ्लक्स, सबकी समझ में आ गया, ये न्यूमेरिकल पढ़ना एक बार, कोई डाउट हो तो फिर क्लियर कर दूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पहला 35th जैसा है, 37th भी आपका, अब तो क्लियर हो गया डायरेक्शन क्या, वाई जेड प्लेन है तो एरिया वेक्टर किधर आएगा अलोंग एक्स एक्सिस, वेरी इजी, तो आई कैप के थ्रू आप निकाल लेंगे। अब आप आ जाइए 38th न्यूमेरिकल आपका, क्या कह रहा है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एनक्लोज ए चार्ज ऑफ, अब देखिए ये कोई स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसके सेंटर पे कोई चार्ज क्यों रखा है जिसकी वैल्यू क्या है 8.854 8 कूलम, देखो 8.85 क्यों लिया उसने, आप याद करो एप्सिलॉन की वैल्यू यही आती है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, अब देखो वेरी इजी क्या आ जाएगा फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वेरी इजी 8.85 इंटू 10 की माइनस 8 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की माइनस 12, आ गया सबकी समझ में, ये लो बच्चों ये कट गया, कितनी बची 10 टू दी पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम, कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे आप, आपको पता है इसके नंबर होते हैं बोर्ड में। अब एक यहां इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल्ड हाउ वुड द फ्लक्स चेंज, अब आप बताइए अगर ये रेडियस आर है और आप 2r रेडियस पे यहाँ 2r डिस्टेंस पे यानी कि गॉसियन सरफेस को यहाँ ले जाएं और अब आप इससे फ्लक्स निकालें, कहीं रेडियस आ रही है फ्लक्स में, नहीं आ रही, नो चेंज, आंसर रिमेन सेम, नो चेंज, ये ही फ्लक्स आएगा जो ये है, क्योंकि आप देखो फॉर्मूले में कहीं भी रेडियस नहीं है,
क्यू बाई एप्सिलॉन नोड। अब आ जाइए चलिए 40th भी आपको पता ही है, ऐसा एग्जांपल आप कर चुके हैं, 20 आई कैप आ जाएगी इसकी डायरेक्शन एरिया की। नेक्स्ट में चलो एक और बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 41st बताता हूं। देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड सर्टेन रीजन स्पेस इज इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों, 5i cap + 4j cap - 4k cap × 10^5 न्यूटन पर कूलम एंड एरिया इज ए इज इक्वल टू 2i cap - j cap × 10^-2 m². तो याद करो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू ई डॉट ए, क्लियर ले लीजिए, 5i cap + 4j cap - 4k cap · 2i cap - j cap ये पावर इकट्ठी कर देता हूं × 10^5 × 10^-2 बच्चों क्या आ गया आपका है देखो, तो 5 इज इक्वल टू अब देखो ex ax, चलो लिख देता हूं ex ax प्लस ey ay प्लस ez az। अब बोलो ex की जगह क्या, 5 ex 2 तो 5 × 2 प्लस ey ay 4 × -1 प्लस ez -4 × 0 क्यों, क्योंकि यहां k कैप नहीं है तो 0 आ जाएगा। क्या आ गया आंसर, 10 - 4 = 6 × 10^3 तो 6 × 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये देखिए दोबारा कल भी बताई थी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है, यहां दो आ गए तो इसलिए मैंने आपको करा दी। नेक्स्ट वो देखिए ये चार, चलो मैं एक आपको पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझाता हूं। अगर एक क्यूब है देखो बच्चों, ये क्यूब है इसकी कोई भी साइड है, सपोज ये क्यूब है, आपने इसके सेंटर पे चार्ज क्या रख दिया, क्यू, तो इससे फ्लक्स कितना निकलेगा, फाइ इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोड। आगे सबकी समझ में, क्योंकि बेटे इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस बनेगी पॉइंट चार्ज जो स्फेरिकली होगी उसे शेप से कुछ नहीं लेना देना, इसलिए फ्लक्स थ्रू द क्यूब कितना आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नोड। अब बोलो फ्लक्स थ्रू वन फेस ऑफ क्यूब, अब बोलो कितनी कितने फेसेज हैं, 6, तो कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोड। टोटल फ्लक्स जो आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नोड, लेकिन एक फेस से, क्योंकि क्यूब की कितनी फेसेज होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अपने रूम की चारों छह की छह दीवारें देख लेना, छत और जमीन और चार दीवारें तो छह हो जाती हैं, तो एक फेस से कितना निकला, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोड। तो बात समझ में आ गई, अगर सेंटर पे चार्ज क्यू रखा है तो टोटल क्यूब से क्यू बाई एप्सिलॉन नोड, हाँ अगर एक फेस से निकालना है तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नोड होगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। अब इसी से रिलेटेड आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि अगर क्यूब के कॉर्नर पे आपने चार्ज रख दिया, देखो अब क्या कह रहा है वो। नेक्स्ट आपकी 42nd प्रॉब्लम जो है देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, ये देखो अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए आप, अगर क्यूब के कॉर्नर पे आप चार्ज रख देते हैं क्यूब, अब सोचो इस क्यूब की गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको 8 क्यूब चाहिए, एक यहां ये इसके ऊपर, इसकी साइड में, इसके ऊपर। आप सोचिए आपके रूम के कॉर्नर पे, रूम है उसके कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो टोटल कंप्लीट कवर करने के लिए कि ये दिखाई ना दे आपको 8 क्यूब रखने पड़ेंगे, 8 बॉक्सेस आप अरेंज कर सकते हैं, जब आपकी समझ में आ जाएगा। या आप अपने रूम का कॉर्नर देखिए, मान लीजिए उस कॉर्नर पे आपने चार्ज रख दिया, तो देखो ये रूम, इसके ऊपर रूम 2,
उस वहां रूम, उसके ऊपर रूम चार, इसकी बैक में एक रूम, उसके ऊपर रूम, और उसके साइड की बैक में एक रूम और उसके ऊपर रूम, तो आठ रूम चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब आपका फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना आ गया? द फ्लक्स थ्रू वन क्यूब कितना आ जाएगा? फाइव इज इक्वल टू क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। दोबारा समझ लो, अगर इस क्यूब के इस कॉर्नर पे मैंने एक चार्ज रख दिया तो इसको कंप्लीट कवर करने के लिए ये क्यूब, इसके ऊपर क्यूब, दो साइड में क्यूब, यानी कि आठ क्यूब आपको टोटल कवर करने के लिए चाहिएंगे। तो इतनी रेडियस में क्या आएंगे? एट क्यूब। तो इसलिए एक क्यूब से कितना हो गया? क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। सब किस समझ में आ गया? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। चार्ज 2×10⁻¹ कूलम इज प्लेस्ड ऑन वन कॉर्नर ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब। तो क्यू बाई एट एप्सिलॉन नॉट। तो आपको सिंपल बस वैल्यू रखनी है चार्ज की, साइड का कोई रोल नहीं होता, आपको दिख रहा है एरिया कहीं नहीं आ रहा इसमें, बस फॉर्मूला बता दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43rd जो है उसमें देखो, मैंने कल समझाया था आपको नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इक्वल टू फ्लक्स होता है इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुआ? अब क्या कह रहा है? 5000 लाइंस, एन वन कितनी आपकी? 5000 लाइंस ऑफ फोर्स एंड सर्टेन वॉल्यूम इन स्पेस एंड 3000 लाइंस आर इमर्जिंग। एन टू कितनी आ रही है? 3000 लाइंस इमर्ज हो रही है। तो n2 माइनस n1 कितनी बची आपकी? 3000 माइनस 5000, 2000। ये लो, तो ये आ गया आपका माइनस की। तो माइनस 2000 इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यू कैन कैलकुलेट चार्ज इज इक्वल टू माइनस 2000 इनटू एप्सिलॉन नॉट, कैन पुट द वैल्यू ऑफ द 8.85 इनटू 10 की माइनस 12। तो यू विल फाइंड 1.77 इंटू 10 की पावर माइनस, ये तो कर दीजिए कम, कितनी होगी? माइनस 8 कूलम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44th, लास्ट क्वेश्चन। अब मैंने बहुत करा दिया आपको, अब आपको शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 17.7 माइक्रो कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 5 मीटर। ये होलो स्फीयर है, इसके सेंटर पे चार्ज रख दिया आपने, इसकी रेडियस है, कितना चार्ज रखा है? 17.7 माइक्रो कूलम इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 0.5 मीटर। कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्लक्स विल बी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 17.7 इंटू 10 की माइनस 6, यू नो वेरी वेल माइक्रो इज इक्वल टू 10 की माइनस 6 कूलम अपॉन 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। क्लियर? 2 इंटू 10 की 6 न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम इज द फ्लक्स। नाउ क्या रिक्वायर्ड है? कैलकुलेट द फ्लक्स डेंसिटी। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी है, इसलिए मैंने आंसर नहीं दिया था। फ्लक्स डेंसिटी मकाब आ जाएगी, क्या होती है? इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, फ्लक्स पर यूनिट एरिया, क्योंकि एरिया में से निकल रहा है स्फीयर के। तो क्या आ जाएगा? फ्लक्स 2 इंटू 10 के 6 अपॉन एरिया पाई आर स्क्वेयर। तो यू विल सिंप्लीफाई, तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी अपॉन एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 3.14 इंटू आर स्क्वेयर 0.5 स्क्वेयर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6.4 10 की 5 न्यूटन पर कूलम। तो ये आपके न्यूमेरिकल हो गए जो मैंने आपको समझा दिए, ये डाउट्स भी क्लियर कर दिए बच्चों के। ठीक है, सबकी समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा काम न्यूमेरिकल्स का पूरा हो गया। और कोई डाउट किसी बच्चे का हो तो पूछ लिया करो। क्लियर? चलिए, तो ओके बच्चों, तो ये हमारे न्यूमेरिकल हो गए। अब मेरे से दो कॉन्सेप्ट बच्चों ने पूछे थे, मैं आपको फिर क्लियर करता हूँ। याद करो, बच्चे ने कहा सर डाइपोल की डायरेक्शन याद करो, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका बीच का गैप है, तो डाइपोल की डायरेक्शन इधर ही क्यों होती है?
देखो बच्चों, आप अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने टेंथ में ड्रॉ की थी, याद करो, अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, यहाँ टेस्ट क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चलती है बाहर, और बाहर से फिर अंदर किधर आती है, बाहर किधर चलती है, नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो अपोजिट है या नहीं। इन सेम वे ये फील्ड पे अप्लाई किया गया क्योंकि सिमेट्री बनाए रखने के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता। तो अगर बाहर का कंसेप्ट देखें तो फील्ड किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट किधर आएगा घूम के, अगर फील्ड इधर आ रहा है सोचा जाए तो अंदर किधर आएगा, भले ये होता नहीं है ऐसा, ये ध्यान रहे, लेकिन इस चीज की सिमिलरिटी समझाने के लिए मैंने आपको बता रहा हूं कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर किधर आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसलिए डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन ली गई है वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। यहां से देख लीजिए, बाहर नॉर्थ टू साउथ, तो अंदर साउथ टू नॉर्थ, तो इन सेम मैनर यू कैन रिमेंबर इट, आउटसाइड मान लीजिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव, वैसे होता नहीं है अंदर, ये पता ही है आपको, क्योंकि ये तो पॉजिटिव चार्ज से चलता है और नेगेटिव पे खत्म हो जाता है, लेकिन एज आई थिंक के डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हो गया क्लियर, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब दूसरी बात एक और मेरे से पूछी बच्चे ने कि सर वो जो टॉर्क की डायरेक्शन है, टॉर्क इज इक्वल टू पी क्रॉस ई होता है, क्योंकि बच्चों आप प्लस वन में ध्यान दो, टॉर्क इज नॉट इज इक्वल टू ई क्रॉस पी, क्योंकि स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ए डॉट बी लिखिए बी डॉट ए लिखिए, लेकिन इन केस ऑफ वैक्टर आप याद करो, अगर ये वैक्टर ए है और ये वैक्टर बी है, ए क्रॉस बी किधर था, ऊपर था, और बी क्रॉस ए किधर हो जाता है, सदा रिवर्स, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, इट डज नॉट ओबे द कॉमिटेटिव लॉ, आपके याद होगा, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होते, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे आ जाता है, तो इन दोनों की एक डायरेक्शन नहीं हो सकती, ए क्रॉस बी की अलग डायरेक्शन है, बी क्रॉस ए की अलग है, तो इसलिए जो प्रैक्टिकली सेटिस्फाई करता है टॉर्क को, पी क्रॉस ई करता है, ए क्रॉस पी नहीं कर सकता, क्योंकि एकदम डायरेक्शन 180 पे घूम जाएगी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा था कि सर फ्लक्स नेगेटिव कैसे आएगा, सोचिए, चलो वो भी बताता हूं। अगर ये क्यूब है, अब आप देखिए, और इन दिस क्यूब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से चला लॉन्ग एक्स एक्सिस और इधर से निकल गया, बताना जरा आप, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर, तो इस सरफेस का फ्लक्स कितना हो गया बच्चों, देखना, इसका फाइव वन और इसका फाइव टू, तो फाइव वन कितना आएगा, ई एक्स इंटू एस कॉस जीरो, और यहां देखना फाइव टू कितना आ रहा है, ई एक्स इंटू एस कॉस 180। अब तो क्लियर हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में होने से फ्लक्स की नेचर क्या आ गई, नेगेटिव, इसलिए नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस कितना आ गया, जीरो, ये कितना आ गया आपका ई एक्स इंटू एस, ये कितना आ जाएगा माइनस ई एक्स इंटू एस, जब दोनों को ऐड करेंगे फाइव इज इक्वल टू फाइव वन प्लस फाइव टू इज इक्वल टू जीरो, तो ये एक आपकी प्रॉब्लम अलग हो जाती है कि फ्लक्स नेगेटिव कैसे आता है, ये मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से फ्लक्स नेगेटिव आ जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो एंगल बिटवीन ई एक्स एंड एस इज 180 डिग्री, और इसलिए ये फ्लक्स की नेचर क्या आ गई, नेगेटिव, तो यहाँ नेट फ्लक्स कितना आ गया थ्रू दिस क्यूब, जीरो, तो इसलिए प्रॉब्लम एनसीईआरटी में भी है और ये आपकी बोर्ड में भी आई हुई है, इस तरह फ्लक्स जीरो हो जाएगा, चार्ज भी जीरो इनसाइड इट, ये एक न्यूमेरिकल भी हो गया और आपको क्लियर हो गया कि फ्लक्स नेगेटिव कैसे आ जाता है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये, ओके थैंक यू। अब आगे चलते हैं, हम कुछ एप्लीकेशंस करेंगे गॉस थ्योरम की। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम कुछ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस करेंगे, आपके याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको गॉस थ्योरम कराई थी, देखिए अब थोड़ा कुछ क्लियर हो गया होगा। बेसिकली गॉस थ्योरम क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक मेथड है, अगर ये कोई चार्ज रखा है तो इस पॉइंट के ऊपर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, 1/4πε0qr², तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये ई डॉट डी एस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी एस किसके, किस पे डिपेंड करता है,
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्चार्ज, तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या कहते हैं इसको, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस सर्कल का मीनिंग क्या बताते हैं यहां लगाने का, क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी कि चार्ज किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखा है। तो आगे बात समझ में, ये है आपका गॉस थ्योरम, और इसका प्रूफ समझ में आ गया होगा आपके कि इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ये रहा आपका, और किस में वैल्यू पुट कर दी, डॉट डी एस में, जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया था तो किसके इक्वल आ गया था ये आपका, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी यही होती हैं जैसी मैंने आज एक न्यूमेरिकल में यूज की थी। सब ये समझ में आ गया, अब हम इसकी एप्लीकेशन सोल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारा डिडक्शन ऑफ, अब आप आ जाइए एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, नंबर एक डिडक्शन ऑफ ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, यानी कि डिडक्शन डेरिवेशन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। देखिए सपोज दिस इज द पॉइंट चार्ज क्यू वन और दिस इज द पॉइंट चार्ज क्यू टू एट ए डिस्टेंस आर, तो यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस, लेकिन अब हम इसको निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। मेन बात दिमाग में बैठा लीजिए कि हम गॉस थ्योरम से फील्ड निकालते हैं कैसे, अब समझ में आएगा। मान लीजिए कि सपोज दिस पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट O एंड टेक ए पॉइंट चार्ज Q2 एट डिस्टेंस R, तो ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, क्या नेचर होगी पॉइंट चार्ज Q1 की, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, तो ड्रॉ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R अराउंड द चार्ज Q1 विच विल पास थ्रू द चार्ज Q2, तो यू कैन टेक एरिया एलिमेंट इन दिस डायरेक्शन ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन। तो सपोज q1 कॉमा q2 आर द टू पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R, क्लियर, फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, for the electric field at C due to Q1 applying Gauss theorem, देखिए integral E dot ds Q by epsilon naught, देखो बच्चों इंटीग्रल ई डी एस कॉस जीरो, देखिए बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल कितना आ गया जीरो डिग्री क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, सो ई डी एस इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई इंटू इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और बच्चों इंटीग्रल डी एस की वैल्यू फोर पाई आर स्क्वायर, देखिए इसका पार्ट है स्फीयर का पार्ट है ऑफ रेडियस आर, तो एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा फोर पाई आर स्क्वायर, बिकॉज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू फोर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको उधर ले जाइए वन ओवर फोर पाई आर स्क्वायर क्यू वन बाई एप्सिलॉन नॉट, सो वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इसके साथ लिख लो Q1 by R square, and you know the relation between electric field and force, so the force क्या हो जाएगा बच्चों F is equal to Q into E, याद हो Q node E, और Q node की जगह क्या यहाँ रखा है यहाँ Q2 charge, so Q2 into E, तो you can put the value of E from this, so F is equal to Q2 into 1 upon 4 pi epsilon node Q1 by R square, so F is equal to 1 upon 4 pi epsilon node q1 q2 by r square, and this is the Coulomb's law. तो दोबारा समझ लीजिए, पहली एप्लीकेशन है इजी, e dot ds q by epsilon node,
तो बच्चों दोनों में एंगल कितना, 0 डिग्री, तो E इंटू डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो चार्ज कितना है सेंटर पे, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, और E कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, इंटीग्रल डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल डी एस की वैल्यू बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका पार्ट है इस स्फीयर का, ये एरिया गॉसियन सरफेस का होता है ध्यान रहे, तो 1 बाई 4 पाई आर स्क्वायर Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको बेटे थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लिया, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई आर स्क्वायर, नाउ द फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, तो क्यू नॉट क्यू टू इंटू ई, क्योंकि क्यू नॉट की जगह हमने क्या लिया, कितना चार्ज है यहाँ Q2, ये रहा Q2 इंटू ई, तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, दिस इज द रिजल्ट। तो ये हो गया हमारा डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम। इसके बाद है हमारी सेकेंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज। क्या करेंगे अब हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लाइन चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। चार्ज्ड वायर देखिए, ये एक स्ट्रेट वायर है जिसको आपने चार्ज दे दिया पॉजिटिव। अब देखो बेटे, इसके चारों तरफ सबसे पहले आपका काम है गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना। एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया आपने, ये लीजिए होगी सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ लेंथ एल। सबकी समझ में आ गया। अब देखो बेटे फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, जैसे मान लिया पेन ये वायर होगी तो इस तरह चारों तरफ निकलेंगी, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, ये निकल गई, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होगी। हाँ ये ध्यान रहे, फील्ड ऐसे जा रहा है, कैप से एरिया वेक्टर इधर हो गया कैप का बेटे, तो दोनों की डायरेक्शन कितनी होगी 90 का एंगल, तो इससे कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, यानी कि कैप से इस अब यहाँ इस क्रॉस सेक्शन से कोई फील्ड नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा इस कर्व पार्ट ऑफ द सिलेंडर से, तो अब हमें इसका एरिया लेना पड़ेगा। सभी समझ में आ गया, जो कैप का पार्ट है आप देखिए फील्ड ऐसे जा रहा है, एरिया इसका इधर होगा नॉर्मल इसके, तो इसलिए यहां से कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, ना इधर से ना इधर से, ऐसे इधर आ गया और इधर आ गया, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री कोस 90 जीरो, तो इसलिए सिर्फ किससे निकलेगा इस कर्व सरफेस से सिलेंडर की। तो कंसीडर क्यू इज द चार्ज ऑन ए वायर इन लेंथ एल, तो द चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल कूलम पर मीटर। ड्राई सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ लेंथ अप्लाइंग गॉस थ्योरम, क्या आ जाएगा बच्चों बोलो, इंटीग्रल ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रल ई डीएस कॉस जीरो इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रल ई इंटू डीएस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट और E into integral ds is equal to Q by epsilon naught। ओके तो अब देखो बच्चों, यहां जो सर्कुलर पार्ट होता है इसका एरिया क्या होता है, याद करो सब 2πRh, तो यहां क्या हो जाएगा 2πR into L, तो एरिया
टू पाई आर एल, सबके ध्यान है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों क्यू बाई एल क्या है, देखो यहाँ लैम्डा के इक्वल, सो E इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब आप दो से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू लैम्डा फोर टू लैम्डा बाई आर। ये देखना जरा नई चीज आपके सामने क्या आई। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना था, वन बाई आर स्क्वेयर, ड्यू टू डाइपोल वन बाई आर क्यूब। यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लाइन चार्ज वन बाई आर पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन वन बाई आर, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हियर डिपेंड अपॉन द वन बाई आर। सबकी समझ में आ गए, तो ये है आपका, दोबारा देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, ये एक इनफाइनाइट स्टेट चार्ज वायर है, सपोज क्यू इज द चार्ज ऑन दिस पार्ट इन लेंथ एल, तो चार्ज करंट लेंथ क्या आ जाएगा, क्यू बाई एल लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, तीसरी बार आ रहा है वर्ड आपके सामने, तो ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ लेंथ एल अप्लाइंग गॉस थ्योरम। हर जगह एक ही काम करना, ई डॉट डी एस याद कर लीजिए, इस चैप्टर में पूरे में आपको क्या काम करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, इंटीग्रल डी एस की वैल्यू रखनी है और बस उसको इधर नीचे ले जाना है और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर देंगे, तो इट इज द मेथड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी शेप और एनी टाइप ऑफ द बॉडी। तो E डॉट टू पाई आर एल एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आर एल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई एल इज लैम्डा यू नो वेरी वेल लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो E इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, सो E इज इक्वल टू बिकॉज यू कैन मल्टीप्लाई बाई टू हियर एंड हियर आल्सो, वाई बिकॉज वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू नाइन इंटू टेन की पावर नाइन, तो यू कैन इजिली पुट द वैल्यू ऑफ दिस कॉन्स्टेंट हियर। सबकी समझ में आ गया, क्लियर, तो ये हमारी ये एप्लीकेशन होगी आज। और देखिए बच्चों, आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूं, 2014 की सीबीएसई की प्रॉब्लम है, 2014 की क्या कह रहा है, फ्लक्स की है, एस वन एस टू आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स, क्लियर, सपोज दिस वन इज द एस वन स्फीयर एंड दिस इज द एस टू स्फीयर, बोथ आर कंसेंट्रिक, जानते हो कॉमन सेंटर, दोनों का सेंटर कॉमन है, एक ही सेंटर से खींचे गए हैं, एक S1 है, तो S1 S2 आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स एनक्लोजिस चार्ज Q, यहां कितना चार्ज है Q एंड 2Q, इसके बाहर वाले में कितना है 2Q रेस्पेक्टिवली as shown इन फिगर, तो क्लियर हो गया, सपोज ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, दोबारा समझ लिए, S1 S2, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स एनक्लोजिंग चार्ज क्यू एंड टू क्यू, क्यू एंड टू क्यू रेस्पेक्टिवली एस वन इन फिगर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू, क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एस वन एंड एस टू, सोचिए फाइव वन कितना आ जाएगा थ्रू एस वन, कितना चार्ज है अंदर सिर्फ इसके क्यू, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रहे इसलिए मैं करा रहा हूं प्रॉब्लम, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थ्रू एस वन कितना आ गया, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कितना चार्ज है क्यू, एंड थ्रू एस टू फाइव टू, बताओ बच्चों, देखो बेटे अब ये चार्ज भी एड होगा, 2q बाहर रखा है क्योंकि ये भी इसके अंदर है, तो ये भी आ जाएगा 2q प्लस q बाई एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोबारा समझ लो, इस अकेले स्फीयर के अबाउट अंदर जो चार्ज है वो q है, तो जो फ्लक्स होगा यहां से जो फील्ड निकलेगा वो सिर्फ इस चार्ज के कारण निकलेगा ड्यू टू q, तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस s1 कितना आ गया आपका q बाई एप्सिलॉन नॉट फाइव वन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बट जब आप एस टू के निकाल लेंगे थ्रू एस टू, अब क्या हो जाएगा, ये चार्ज भी इंक्लूड होगा क्योंकि एस टू के अंदर क्या रखा है एस वन भी रखा है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, तो नेट फ्लक्स क्या आ जाएगा फाइव टू टू क्यू प्लस क्यू बाई
एप्सिलॉन नॉट 3q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबकी समझ में आ गया। तो इसलिए फाइव टू बाई फाइव वन कितना आ गया आपका 3q बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये कट जाएगा q से q कैंसिल 3:1, तो फाइव टू बाई फाइव वन कितना आ जाएगा 3:1, ये आपका फ्लक्स हो गया। क्लियर, सबकी समझ में आ गया। ये थी, इसमें और भी था, अगर बच्चों यहां हम कोई डायलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या हो जाएगा, यहां बाई में के और आ जाएगा। आपको पहले भी बताया था, इफ ए डायलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन स्फीयर एस वन ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो फिर क्या आ जाएगा, फाइ इज इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट फॉर डायलेक्ट्रिक इन एस वन। तो इस तरह की प्रॉब्लम ये आई हुई है आपके एग्जाम में, तो आप ध्यान रखेंगे, प्रॉब्लम कीजिए जो मैंने आज कल दी थी वो सारी आज सॉल्व कर दी हैं। तो आप लोगों को फिर भी कोई दिक्कत हो, जो भी आपके डाउट होते हैं मैं सारे लेता हूँ, ठीक है। अगर कोई किसी को लगे सर मेरा डाउट नहीं लिया गया, तो दोबारा मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेक केयर और अपनी पढ़ाई करें, जितना पिछला काम हुआ है, कल संडे है तो जितना भी पिछला काम हुआ है उसको आप रिवाइज करें, लर्न करें, और MCQ करते हैं जो मैंने दिए थे वो भी आपने मुझे पता है नहीं किए हैं, उनके डाउट्स भी लेने हैं, तो सारे MCQ आप सॉल्व करें। क्लियर, चलिए, थैंक यू।